हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में। मेरा पहला वीडियो, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हमें शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और उसमें मैंने काफ़ी सारी बातें बताई है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आज का टॉपिक कुछ इस तरीके दो शेयर्स के बारे में है जिनके आईपीओ एंड उनके लिस्टिंग से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ। तो मार्केट में यूँ तो बहुत सारे शेयर्स आते रहते हैं, बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड भी है। कोई शेयर्स नीचे की तरफ जाता है, कोई शेयर्स ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे से ऊपर आता है, फिर ऊपर से नीचे जाता है। ये तो शेयर मार्केटिंग का खेल है। सो आज जो दो शेयर के बारे में जो कंपैरिजन करने वाला हूँ, उनका कंक्लूजन मैं लास्ट में निकालने वाला हूँ। तो ये दो शेयर है SBI कार्ड्स और रोजरी बायोटेक, जो आज ही लिस्ट हुआ है। तो हम इन दो शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लास्ट में इसका कंक्लूजन भी है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओके, जिस शेयर से रिलेटेड मैं जो बात करने वाला हूँ, ओके, जो पहला शेयर है वो SBI कार्ड्स के रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। ये SBI कार्ड है, जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है मार्केट में। ये 4 महीने के अंदर अंदर, मतलब ये 2 मार्च को इसका IPO आया था। IPO मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स NSE या BSE में लिस्ट कराती है, तो वो सबसे पहले IPO लेके आती है। तो ये SBI कार्ड, तो SBI कार्ड के बारे में पहले तो मैं, जैसे कि इसका नाम ही कार्ड्स है, तो SBI कार्ड्स मीन्स कैरी कार्ड, जो हम यूज़ करते हैं सारे सारे मेट्रो सिटीज़ में। डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में। इंडिया में 18% SBI कार्ड्स ने मार्केट कैप्चर कर रखा है इंडिया का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SBI कार्ड। और SBI कार्ड की इनकम कहाँ से आती है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है ना, क्योंकि कुछ भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे, तो कहाँ से कौन सी कंपनी किस तरीके से पैसा कमाती है, ये भी हमें देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। SBI कार्ड्स मतलब क्या, एक कार्ड अपनी सेल करती है, तो सेल करती है तो वो ज्वाइनिंग फीस कुछ लेती है। फिर उनका एनुअल फीस कुछ होता है, फिर कोई पे नहीं कर पाता तो रेस्ट भी ये लेती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से, मतलब इंटरेस्ट के रूप में पैसे लेती है। तो ये SBI कार्ड का बिजनेस है, ये इसका मॉडल है। तो इसके किसी भी चीज़ इन शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा याद रखिए कि विकिपीडिया या फिर उसकी साइट्स पे जाके उसका बिजनेस देख लीजिए कि किस तरीके का बिजनेस वो कंपनी करती है, ताकि एक आपको आइडिया आ जाए अच्छा बिजनेस है ये किस तरीके का बिजनेस है। तो हम SBI कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। 2 मार्च 2020, मतलब 2020 में ही 2 मार्च को ये लिस्ट हुआ था और 5 मार्च को ये क्लोज हुआ था। इसका जो प्राइस बताया गया था 750 से, इसकी जो प्राइस बैंड था 750 से 755 पर शेयर था। और 19 शेयर्स का ये लॉट था। इसकी जो लिस्टिंग डेट थी वो 16 मार्च थी। तो 18%, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 18% मार्केट कैप्चर करके रखी है इसने। तो जब ये शेयर लिस्ट हुआ, उससे पहले ग्रे मार्केट एक होती है जिसमें इसके भाव बताए गए थे कि ये जैसे ही लिस्ट होगा तो 1000+ से ज़्यादा लिस्ट होगा, ये 1100 तक लिस्ट होगा, ये 1200 तक लिस्ट होगा। तो अलग अलग तरीके के व्यूज़ और अलग अलग तरीके के ओपिनियन आ रहे थे। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और इसका जो IPO सब्सक्राइब हुआ वो लगभग 57.18 ओवर सब्सक्राइब हुआ इसका IPO। और फिर जब ये लिस्ट हुआ और जब ये लिस्ट होकर मार्केट में आया, तो इस शेयर ने सबको निराश कर दिया। तो ये लिस्ट हुआ तो लिस्ट होते ही साथ ये शेयर एक साथ मार्केट्स ने गिर गया, मतलब जो लोगों ने 755 रुपीज़ पर शेयर में जो एक शेयर खरीदा था, तो ये लिस्ट 658 रुपीज़ से लिस्ट हुआ। बढ़ जाते जाते ये लास्ट उसी दिन
लगभग अपने 755 रुपीज़ के जो हमारा हमने पे किया था पर शेयर, वहाँ तक आके देन ये वापस आ गया। ओके, और ये कुछ महीने इस तरीके से चलता रहा, बट ये SBI कार्ड से ओके, एक तो गवर्नमेंट कंपनी है और इसके अलावा बहुत अच्छा इसका बिजनेस मॉडल भी है। एक ना एक दिन ऊपर जाना ही था और ये आगे भी ऊपर जाएगी। ओके, तो ये ऊपर गया 500, ये 800 रुपीज़ के अराउंड ये शेयर पहुंचा। ओके, और आज की डेट में हम देखो, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि 744.70 अराउंड हमारे से, हमने जो 755 रुपीज़ पे हमने ख़रीदा था। ओके, तो वहाँ तक ये पहुँच चुका है। बट हम अगर इसका पूरा चार्ट, अगर मैक्सिमम चार्ट भी देख ले तो ये नीचे 509 रुपीज़ तक भी आया था। बट इस पे जो लोगों ने अगर ख़रीदा होगा 22 मई को या उसके आसपास, तो ये आप देख सकते हैं कि उन्हें कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, लगभग 40% का नहीं, लोगों को प्रॉफिट भी हुआ होगा। नाउ हम बात करेंगे कि ये मार्केट में ये शेयर जब आया था तो ये इतना अच्छा शेयर होते हुए भी नीचे क्यों गया। ओके, बट इससे पहले हम बात करते हैं एक दूसरे शेयर की, कि रोजरी बायोटेक का IPO। जो रोजरी बायोटेक है उसका IPO आया था, और IPO इसका जो आया था वो 13 जुलाई को आया था। ओके, और 15 जुलाई को इसका IPO क्लोज हो गया। ओके, और इसकी जो प्राइस बैंड थी, लगभग 423 से 425 रुपीज़ की प्राइस बैंड रखी हुई थी। और ये जो शेयर है, ये जो सब्सक्राइब हुआ 79 टाइम्स, ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। और इसका जो आज लिस्टिंग डेट थी, आज के दिन में ये आज लिस्ट हुआ। ओके, और जैसे ही ये लिस्ट हुआ तो लोगों ने 425 रुपीज़ पर शेयर दिया, तो आज लिस्ट हुआ 670 रुपीज़ पर, तो लोगों की चांदी निकल गई। ओके, और ये ऊपर जाते 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 लगभग 800 रुपीज़ तक ये मार्केट में गया भी। ओके, और ये 741 रुपीज़ के आसपास ये क्लोज़ भी हो गया। ओके, तो हम रोजरी बायोटेक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये काम क्या करता है। तो जैसे कि आप इस साइट्स पे देख रहे हैं, होम पर्सनल एंड परफॉर्मेंस केमिकल। ओके, मतलब सोप डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं वो ये बनाता है, इंक पेंट एंड कोटिंग्स, सेरामिक एंड टाइल्स, पल्प एंड पेपर, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। ओके, टेक्सटाइल स्पेशल केमिकल्स में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, लाइक कॉटन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, वुड, सिल्क, नायलॉन, फंक्शनल एंड एट्सेट्रा। इसी तरीके से ये एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस पे भी काम करता है, लाइक पेट केयर एंड पोल्ट्री न्यूट्रिशंस। ओके, और इसके जो बड़े बड़े जो एचयूएल कंपनी, लाइक हिंदुस्तानी यूनिलीवर, जो हर एक के घर में कंपनी होती है, हर किसी के घर में एक इस ये एचयूएल के प्रोडक्ट आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये एचयूएल रोजरी से ये अपना परचे, ये जो जितने भी ये सामान है, जितना भी ये स्टफ़ है, ये सब कुछ इसी से बाई करती है मोस्टली। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, कि SBI कार्ड जो इतना अच्छा शेयर था, ओके, वो लिस्ट हुआ, इसने 755 हमने पे किया और ये लिस्ट हुआ 658 पर, और जो रोजरी 425 रुपीज़ इसका प्राइस हमने पे किया पर शेयर, और 670 पर ये लिस्ट हुआ, और जाते जाते 800 के अराउंड ये गया। तो इसका रीज़न ये था कोविड-19। जब SBI कार्ड लिस्ट हुआ उस टाइम जो कोविड की सिचुएशन थी वो इंक्रीज हो रहा था, एक साथ मार्च में ये लिस्ट हुआ, मार्च में कोविड आया, ओके, अराउंड द वर्ल्ड फैला, इंडिया में भी फटाफट लॉकडाउन हुआ। ओके, तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई तो SBI जो कार्ड था उसका IPO के जब ये लिस्ट हुआ इसका शेयर, तो एक साथ ही ये डम हो गया और ये इसका शेयर बहुत नीचे गया। और इसके अपोजिट जो रोजरी बायोटेक आई, कोविड-19 अभी भी चल रहा है। ओके, बट एक मार्केट का जो पोजीशन है, मार्केट का जो अभी ओपिनियन है, जो व्यूज़ है, ओके, वो पॉजिटिव की तरफ कुछ ज़्यादा है। ओके, तो दिस इज़ द रीज़न कि रोजरी बायोटेक का IPO जो लिस्ट हुआ, ओके, 670 रुपीज़ तक लिस्ट हुआ, 800 के अराउंड गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट की ये सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसी वजह से ये जो शेयर है ऊपर नीचे हो, ये SBI कार्ड जो ऊपर जो अच्छा शेयर था
वो कम प्राइस में लिस्ट हुआ, और रोजरी बायोटेक अच्छी कंपनी है, ओके, तो ये भी जो लिस्ट हुई ये अपर लिस्ट हुई, बहुत ज़्यादा प्राइस पे लिस्ट हुई और लोगों ने खरीदा और ख़रीद के माला माल हो गए, ओके, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अब क्या करें, रोजरी बायोटेक लोगों ने लिया है, ओके, मेरा एक छोटा सा ओपिनियन मैं जो अब शेयर करना चाहूँगा, जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए आए थे, ओके, जिन्होंने जो चाहते थे कि हमें एक लिस्टिंग गेन मिल जाए और हम निकल जाए, तो वो लोग लिस्टिंग गेन लेके जा सकते हैं, ओके, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पार्शियली जो अमाउंट है उसमें से, या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया है वो निकाल के, ओके, जो प्रॉफिट है उसका वो शेयर में लगे रहने दीजिए, ओके, वेट एंड वॉच करिए, अच्छा शेयर है, आज नहीं तो कल इसके रिजल्ट और मतलब ये शेयर और भी कुछ बन सकता है और भी आगे बढ़ सकता है, ओके, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इस स्टॉक को अराउंड 500 रुपीज़ पर बाई करना चाहिए, ओके, क्योंकि अभी जो सिचुएशन मार्केट की बनी हुई है ये फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ओके, तो ये मार्केट कभी भी गिर सकती है, ओके, और कभी भी उठ सकती है, तो मेरा भी मानना यही है लगभग कि आप होल्ड करके चलिए, ओके, या फिर वेट करिए इसे एक प्रॉपर आने के लिए, एक प्रॉपर पोजिशन पे आने के लिए, ओके, और इसके रिजल्ट का भी वेट करिए जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उसके बाद हम वी विल ट्राई कि हम किस तरीके से इसे बाई कर सकते हैं और किस तरीके से बाई नहीं कर सकते, ओके, तो इसका जो प्राइस लिस्टिंग देख के आप लालच में ना पड़े, ओके, और पेशेंटली वेट करें, क्योंकि मौका सबको मिलता है, आज किसी को और को मिला है कल किसी और को मिलेगा, ओके, तो इन कंक्लूज़न मेरा इतना था, तो अगर आप अच्छा शेयर चूज़ करते हैं, ओके, और उसका एनालाइज करते हैं, तो वो शेयर आपका पेशेंस देखकर फ्रूटफुल रिजल्ट देता है, सो इस वीडियो में इतना ही, ओके, और दूसरी वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा किसी दूसरे शेयर्स के ऊपर, ओके, मार्केट के एनालिसिस के ऊपर, और कुछ भी दूसरा वीडियो मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड बनाऊंगा, और तब तक आप इस वीडियो के में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और इस वीडियो को आप अपने अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करें, इसके अलावा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप ये सब करेंगे तो मेरा एक मोटिवेशन बना रहेगा, ओके, और मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स उनसे रिलेटेड बातें करता रहूँगा, ओके, तब तक के लिए अलविदा, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।